टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आईआईटी मेंस में इस साल के लिए केमिस्ट्री में जल्दी जल्दी हम कैसे क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहां पर फिजिक्स हम बता मैं बता चुका था। नाउ आई एम टेलिंग फॉर केमिस्ट्री एंड टुमारो मोस्ट प्रोबली विल बी अपलोडिंग फॉर मैथ्स। ओके, तो केमिस्ट्री में जल्दी हमें अगर एक महीने का टाइम है तो कैसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको करने से हमें वो रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो अभी केमिस्ट्री में जो इस महीने में हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, एक महीने या फिर जितना भी हमारे पास टाइम बचा है, राइट। अगर आप ऑलरेडी वो कर चुके हो तो दैट्स वेल एंड गुड। और मैं पूरी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि जितनी जल्दी कम टाइम में जितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो पहले केमिस्ट्री के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल कि विदाउट केमिस्ट्री डोंट एक्सपेक्ट अ गुड रैंक, राइट। फिजिक्स में आपका कम हो जाए ओके है, मैथ्स में कम हो जाए ओके है, बट केमिस्ट्री में अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती है तो यू वोंट गेट गुड रैंक। सो केमिस्ट्री इज़ वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई टी मेन्स टू गेट अ गुड रैंक। अगर आपको 220, 250, 250 समवेयर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो केमिस्ट्री करना पड़ेगा, राइट। सो उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो पहले तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर रफली बोलोगे तो 30-35% होते हैं ये दोनों, ऑलमोस्ट 35-35 और 40-40, 35-40 समथिंग, तो ये थोड़ा सा कम रहता है, राइट। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री में मैं तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोल देता हूँ, राइट। तो एक तो आपका है विदाउट अ सेकेंड थाट केमिकल काइनेटिक्स, राइट। केमिकल काइनेटिक्स करके ही जाना है, देयर इज़ नो अदर स्कोप, राइट। सेकेंड है मोल कॉन्सेप्ट, राइट। मोल कॉन्सेप्ट वो सिंपल वाले मोल, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट वाला नहीं, जिसमें इक्वेशन बना के यू लाइक यू मेक स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट वाला पार्ट, राइट। और आपका थर्ड है थर्मोकेमिस्ट्री, और थर्मोकेमिस्ट्री या फिर थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो मस्ट हैं लेवल वन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो एक कोर वाले में आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला होता है कि विच वन विल ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस, वाला जो पार्ट होता है, न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ वाले को देख लो। चांस तो आई डोंट नो कि क्या होगा, बट दैट इज़ इंपॉर्टेंट एक्चुअली, राइट। और इट वोंट टेक मच टाइम ऑल्सो, आधा घंटा लगेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट ये रखने में, तो आपको पता चल जाएगा विच रिड्यूस वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का जो एक सीरीज़ होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बीच में होता है, ऊपर और नीचे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सो दैट सीरीज़ इज़ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली, राइट। और एक चीज़ अगर आप कर लोगे सॉलिड स्टेट, अगर आप सिर्फ फॉर्मूला देख लोगे कि सिर्फ फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला कि लाइक बीसीसी एफसीसी उसमें क्या होता है, कि दैट ये चीज़ें आपके लिए सबसे हाई प्रायोरिटी पर रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग आप कर लो, आई एम ऑब्वियसली नो वन कैन जज एनीथिंग, बट कुछ रिसर्च करने के बाद आई कुड से कि ये लास्ट मोमेंट पे ये कोर ये तो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको यू कैन एक्सपेक्ट अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई उसमें सेकेंड थाट नहीं है, राइट। वो छोटा है, अच्छा है, इसमें एसडी की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया आपका, रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट वो सब हो गया, राइट। और आपका आइसोमर्स बीसी में मैं लेता हूँ, ठीक है। तो आइसोमर्स में आपका हो गया कि लाइक सिस ट्रांस, राइट, आरएस, और आपका लाइक एसएन वेनस एन टू स्टेबिलिटी, वो सब इसमें लाइक जीओसी में वो हो जाएगा। सो दोज ऑल आर 5-5, 10-10 मिनट्स टॉपिक्स, और कोई भी इसमें डिफिकल्ट लेवल करने की जरूरत नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं, नॉर्मल एनसीईआरटी प्लस लेवल कर लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड जो सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड चीज़ है, वो आपका बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, राइट, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और आपका हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ओके, एंड ये लास्ट के टॉपिक जो भी हैं, एंड पॉलीमर्स, राइट। सो बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स, राइट। तो इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, वो सब आ जाता है, राइट। तो ये दोनों मिला के आपको मोर देन 50% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगा, आई वुड से अराउंड 7-8 क्वेश्चंस, राइट। तो और बहुत कम होगा, तो पूरा कवर करने में, और मैंने जीओसी में आपको बता दिया, हाँ जीओसी में अगर आपको कम टाइम लगाना है कम टाइम लगाओ, ज़्यादा डीप में करने की जरूरत नहीं है, बट बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पॉलीमर में अच्छा खासा टाइम लगाओ। बेस्ट बुक इज एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर इसमें आएगा, इट वुड बी अनफेयर इफ मैं अगर मैं आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी कर लो, थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर कर लेना सही रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका हो गया, राइट। और ऑब्वियसली ये अचीवेबल टास्क है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मतलब किया जा सकता है अभी भी, राइट। और ये एकदम मत सोचना कि यही करना है, राइट। आई एम नॉट सेइंग, और आई एम नॉट अ गॉड, और
ऑब्वियसली आईटी मेंस का पेपर, आईटी का पेपर कोई भी कुछ भी नहीं बता सकता उसके बारे में, राइट, वेट इल गो। बट अगर आपके पास टाइम कम है, आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, या फिर रिवीजन में कोई दिक्कत हो रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, राइट। ऑब्वियसली वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ऑल, और आप जब पेपर देखोगे तो हमें लगता है कि ऐसा ही कुछ मिलेगा, राइट। तो ये उसके लिए है कि आपको छोड़ के नहीं, ये सब कोर टॉपिक है, तो वो करके ही जाना है, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक है, ठीक है, सारे जितने भी ग्रुप्स हैं सब सारे के सारे पी ब्लॉक, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग सब सेकेंड इंपॉर्टेंट है। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, राइट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड को भी ऐड करूंगा, बट आई नो कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छा है। और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर होता है, ठीक है, कुछ लोग उसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, कुछ लोग उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेते हैं, तो वो दोनों के लिए कॉमन है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन टू ऑल। और अगेन पी ब्लॉक में कुछ नहीं, ऑब्वियस आपको रटना है सब कुछ, एनसीईआरटी इज़ बेस्ट सोर्स, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ट है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करना। केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कर रखा है, तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है उसका, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ फॉर्मूला कर लो, ठीक है, फॉर्मूला, और एक एक फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन, राइट, दैट विल बी सफिशियंट टू गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। तो इतना करने से आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको बहुत ओवर एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है, आपके केमिस्ट्री से। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कि यही आएगा, ऐसा कुछ आएगा तो, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, आप देखोगे तो आपको यही सब लोग कॉमन बताते हैं, तो बट ये मैंने थोड़ा सा और डिटेल में घुस के बताया आपको कि ये करने से आपको क्या रहेगा और किस टाइप से करना थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसको नोट कर लो और याद रखो कि ये कोर है, ये तो करना ही करना है, इसके अलावा जितना करोगे उतना फ्रूटफुल और अच्छा रिजल्ट आएगा। ये दैट्स फॉर लास्ट मिनट है कि अगर आप रिविजन कर रहे हो, रिविजन करने में बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो इनको पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद रिविजन करते रहेंगे अपना। और अगर आपने नहीं भी स्टार्ट किया तभी भी अभी भी स्टिल चांस है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा इट सीम्स। और लास्ट मिनट के लिए अगर आपको करना है कि नहीं यार केमिस्ट्री छोड़ के जाने वाले थे, तो उसके लिए आप करोगे तो लाइक इट विल गिव यू वाओ रिजल्ट, ओके। तो दैट्स आवर ओपिनियन कि आपको करना चाहिए, राइट, सो दैट्स वाई मेड दिस वीडियो। और कल मोस्ट प्रॉब्ली विल बी अपलोडिंग मैथ्स वन, कि कैसे हम छोटे थोड़े थोड़े टॉपिक करके वी कुड स्कोर वेरी मच। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में देखोगे तो हमें लगता है कि अगर आपने सब कुछ जितना बोला उतना कर लोगे तो 200 तक आपका स्कोर आ सकता है, ठीक है। तो बेसिक से लगे रहना और जैसे जैसे जो जो गाइड कर रहे हैं करते रहो। सो आई होप दैट यू लाइक दैट वीडियो, और आप ऑब्वियसली, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ हर वीडियो में लास्ट में, बट जितना लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा हम आपको उतनी ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत लोगों को करो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मतलब लास्ट मिनट में बहुत घबरा जाते हैं केमिस्ट्री को लेकर। दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको केमिस्ट्री बहुत पसंद होता है, एक होते हैं जिनको केमिस्ट्री एकदम नहीं पसंद होता है, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि केमिस्ट्री यार इतना तो करना बनता है, राइट, यू नीड टू डू इट। और मैंने एग्जैक्टली जितना बोला उतना उतना करोगे ना, तो एटलीस्ट अगर स्लो लर्नर हो तो इट विल टेक 10-12 डेज, और इफ यू आर अ फास्ट लर्नर इट विल टेक लेस, मे बी 8 डेज और 7, राइट। तो 15 दिन रख लो, लग जाएगा, बट केमिस्ट्री इट विल पे, क्योंकि ईजी आएगा तो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, करेक्ट, ओके, जस्ट नोट इट डाउन।